ये पैडा जोगी के वो एमसीक्यूज हैं जो कि पास पेपर में आते रहे हैं, प्राइमरी टीचर के पास पेपर में पैडा जोगी के ये एमसीक्यूज आते रहे हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी एक सीरीज़ शुरू की है। आज इस सीरीज़ का पार्ट वन है। हमने इस सीरीज़ में वो एमसीक्यूज लिए हैं जो कि पास पेपर में आते रहे हों। व्हाट शुड टीचर डू बिफोर टीचिंग द लेसन, टीचर को क्या करना चाहिए बिफोर टीचिंग द लेसन, लेसन पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन डी है, ही शुड टेल द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द लेसन। उसको चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो लेसन का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन थीम है, वो सबसे पहले बताना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रीफेयर, आप क्लास का जो माहौल है वो किस किस्म का प्रीफेयर करेंगे, मतलब उसको तरजीह देंगे। इसका राइट ऑप्शन बी है, ए हाईली इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव होना चाहिए जो टीचर के साथ मिलकर काम करें, एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास, और जो सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए एक किस्म की, क्या है कि एक जो है नज़्म व ज़ाब्त जो है उसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से एक टीचर जो है उस क्लास को पसंद करता है जो हाईली इंटरेक्टिव हो और सेल्फ डिसिप्लिन क्लास हो। जनरली स्टूडेंट्स लाइक दूस टीचर्स हु, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं कौन से टीचर को पसंद करते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी है, रिमूव द डिफ़िकल्टीज ऑफ द सब्जेक्ट, वो टीचर जो अपने सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स की जो डिफ़िकल्टीज हैं उनको रिमूव कर देता हो। अकॉर्डिंग टू जोहन डीवे, स्कूल इज़ ए, ये क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, एंड एजुकेशन इज़ ए सोशल प्रोसेस। इसका राइट ऑप्शन बी है, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन भी क्या है कि एक सोशल प्रोसेस है। द एबल टीचर इज़ वन हु इंगेज, जो क्या करता हो, इंगेज करता हो, स्टूडेंट को ले आता हो इन देयर वर्क, अपने काम की तरफ। एक अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट्स को इंगेज रखता हो अपने काम में। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर्स इन द क्लास, ए टीचर, जब एक टीचर जो है क्लास में जब लेक्चर दे रहा होता है तो उसे क्या करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन बी है, मस्ट गिव इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का मतलब है कि उसको एग्जाम्पल्स देनी चाहिए टू क्लैरिफाई, वाजे करने के लिए द डिफ़िकल्ट पॉइंट, एक डिफ़िकल्ट पॉइंट को वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन बी है। ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल, भाई हम ब्राइट स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए है, राइजिंग देयर एस्पायरेशन लेवल, उनका जो एस्पायरेशन लेवल है, उनका जो एक किस्म का जो आरजू का एस्पायरेशन कहते हैं आरजू को, जो उनका जो रिक्वायरमेंट का जो लेवल है उसको बढ़ाकर, एंड गोल्स ऑफ लाइफ, और जिंदगी का जो गोल है, जिंदगी का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेज करके, ठीक है, उसको जो है उसकी मिसाल देकर, मतलब अपनी ज़िंदगी का जो गोल है उसको जो है वाजे करके, तो वो जो है स्टूडेंट के सामने उसको जाहिर करके हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। ऑन विच बेसिस, कौन सी बुनियाद पर द एबिलिटी ऑफ टीचर कैन बी जज, जो टीचर की एबिलिटी है उसको जज किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन बी है, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, टीचर की जो पर्सनैलिटी है उससे हम क्या करते हैं कि टीचर की एबिलिटी को जज कर सकते हैं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सूटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, तो स्ट्रेटजी है, एक किस्म की स्ट्रेटजी है, वो कौन सी होनी चाहिए कि हम जो है एक लेसन को, एक जो है लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकें स्टूडेंट के सामने। इसका राइट ऑप्शन बी है, क्वेश्चनिंग, स्टूडेंट से क्वेश्चन करने चाहिए ताकि जो लेसन है वो अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाए उनकी तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिहाज से भी चेंज हो, चेंज रिलेटेड टू रिज़ल्ट, रिज़ल्ट के लिहाज से भी एक चेंज आए, तो ये जो है ये दोनों चीज़ें ग्रोथ की तरफ जो है, मतलब ग्रोथ जो है उसको ज़ाहिर करती हैं। इसका राइट ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। ए टीचर मस्ट चेक हिज़ अनरूली बिहेवियर बिकॉज, अनरूली मतलब अपना जो गलत बिहेवियर है उसको चेक करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ डीलिंग, वो डील कर रहा होता है विद इम्प्रेशनेबल एज, इम्प्रेशनेबल एज वो होती है जिन पर असर ज़्यादा हो, जिन पर इन्फ्लुएंस क्या हो ज़्यादा हो, तो वो जो बच्चे होते हैं उन पर जो है इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो जो है इसलिए टीचर को अपना अनरूली बिहेवियर चेक करना चाहिए। द स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट फ्राम दूस टीचर हु, जो क्या हों, आर जेंटल, इसका राइट ऑप्शन ए है। द साइकोलॉजिकल, जो नफ्सियाती इन्वायरमेंट, जो माहौल है ऑफ द क्लास इज मेनली, ज़्यादातर द ड्यूटी वो फर्ज किसका है ऑफ द, ये जो है इसका राइट ऑप्शन बी है, क्लास टीचर जो है वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। द टीचर शुड नाउ द फॉलोइंग थिंग, टीचर को कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, इसका राइट ऑप्शन सी है, इन विच फील्ड डिफ़िकल्टी इज़ फेस्ड बाई द चिल्ड्रन, जिस टॉपिक में, जिस लेक्चर में स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो हैं वो फेस कर रहे हों, तो टीचर को जो है उस टॉपिक में, उस फील्ड में जो है स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए। द न्यू कुरिकुलम, कुरिकुलम कहते हैं एक कोर्स को, एक नसाब को, शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, इसका राइट ऑप्शन सी है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब है स्लोली।
एनी मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स टू आर या मोर स्टूडेंट्स कैन बी टर्म्ड एज ए ग्रुप वर्क. इसको ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क कहते हैं. इसका राइट ऑप्शन बी है. द टेक्निक इन विच द स्टूडेंट्स एक्ट आउट रोल्स फ्राम स्टोरीज आर या हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो पुराने जो इवेंट्स हैं, जो वाकियात हैं, इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहते हैं, ड्रामा भी कह सकते हैं, सिमुलेशन भी कह सकते हैं. सिमुलेशन का मतलब है नकली, जो कि असल ना हो. प्ले क्या होता है, एक किरदार होता है. तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं. इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. इस स्टूडेंट्स हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, अगर उसका एटीट्यूड जो है वो साइंटिफिक है, तो उसकी निशानी क्या है. इसका राइट ऑप्शन डी है. थिंक्स रेशनली, रेशनली का मतलब है समझदारी से, अक्ल से. थिंक्स मतलब सोचता है. व्हेन ए टीचर इंटर्स हिज क्लास ऑन द फर्स्ट डे द थीम ऑफ डिस्कशन शुड बी, जो डिस्कशन का जो थीम है वो कौन सा होना चाहिए. इसका राइट ऑप्शन डी है. सबसे पहले टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए. ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट इज, एक अच्छे तालिब इल्म की, गुड स्टूडेंट की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. इसका राइट ऑप्शन डी है. टू मेक एन एफर्ट, स्टूडेंट को चाहिए कि एक एफर्ट करे टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए व्हाट इज टॉट इन द क्लास, के क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है. द प्राइमरी, जो बेसिक ड्यूटी है एक टीचर की, इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज हर, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने कौन किस चीज़ के आगे रिस्पॉन्सिबल है. इसका राइट ऑप्शन ए है, स्टूडेंट्स के सामने. What should teacher do after teaching the lesson? जब एक टीचर जो है जब लेक्चर पढ़ा लेता है, तो उसके बाद उस टीचर को क्या करना चाहिए. इसका राइट ऑप्शन सी है. He should test the understanding of the student. उसको स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझने का जो रुझान है, उसका टेस्ट करना चाहिए. The information about internet and computer makes children, चिल्ड्रन की जो है कि कौन सी चीज़ बढ़ा देता है. इंक्रीज द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है उनका जो इल्म है वो और इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाती है अगर कोई स्टूडेंट जो है इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो. प्राइमरी टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए. इसका राइट ऑप्शन सी है, इंटरेक्शन विद पेरेंट्स. टीचर का जो इंटरेक्शन है वो पेरेंट्स के साथ भी होना चाहिए. द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज इज, ये कौन सी टेक्निक है. इसका राइट ऑप्शन सी है, गेम टेक्निक. अकॉर्डिंग टू जोहन डेविस, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, जो प्रेजेंट जो मौजूदा लाइफ है उनके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना होता है. द लॉन्गर ए पार्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड, अगर किसी पार्टिकुलर ख़ास एबिलिटी को लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल ना करें, तो वो एबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो एबिलिटी वीक हो जाती है. वीकर इट बिकम्स. To increase the confidence of teacher, टीचर का confidence बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए. इसका right option C है, well preparation of the content is required. जो content हो, जो lecture का content हो, उसको अच्छे तरीके से जो है उसकी preparation करनी चाहिए. Which type of a person should enter in the field of teaching, टीचिंग की field में किस किस्म का जो person है उसको enter होना चाहिए. इसका right option B है, devoted and liberal person. devoted कहते हैं जो क्या हो कि जिसको जो है मोहब्बत हो, मतलब इल्म से क्या हो कि एक वफादार हो, और दूसरा जो है एंड लिबरस पर्सन, और जो है एक मेहनती शख्स होना चाहिए, और डिवोटेड मतलब जो इल्म के लिए, जो तालीम के लिए एक किस्म की मोहब्बत रखता हो. एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे लोग जो हैं वो ओल्डर बूढ़े हो जाते हैं, द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस का मतलब है कम हो जाती है. इसका राइट ऑप्शन ये है, स्पीड. When students are asked to leave the classroom to observe events, organism and object in their natural surroundings, the teacher is actually using field observation strategy to teach them. इसका राइट ऑप्शन ए है, फील्ड ऑब्जर्वेशन. टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स, अलाउड मतलब उसको जो है ऊंची आवाज़ में जो है टीचर को रीड करना चाहिए. इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनंसिएशन, कम्प्रीहेंशन, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं. इसका डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस. रीडिंग आर जे लुकिंग एट मटीरियल क्विकली टू गेन एन ओवर व्यू ऑफ द कंटेंट, मतलब कंटेंट को एक जल्दी जल्दी पढ़ के उस कंटेंट का जो ओवर व्यू है उसको हासिल करना, मेन थीम जो है उसको हासिल करना, इस रीडिंग टेक्निक को क्या कहते हैं, इसको स्किमिंग कहते हैं. द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस, बढ़ाने के लिए लर्निंग प्रोसेस, एक जो समझने का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इस कॉल्ड डैश इन एजुकेशन. इसको क्या कहते हैं, ICT. आई से मुराद है इंफॉर्मेशन, सी से मुराद है कम्युनिकेशन, टी से मुराद है टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मुराद है ICT. The use of internet for students in their educational activities is in your opinion,
ये क्या है? इसका राइट ऑप्शन बी है, मीडियम फॉर गुड टीचिंग। इस ए टीचर इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ ही इज़ जेंटल व शरीफ हो एंड ईजिली अप्रोचेबल, वो स्टूडेंट को जो है ईजी जो है मतलब उनको मिल जाता हो। इसका राइट ऑप्शन डी है। बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रोफेशन। उसे अपने प्रोफेशन के फ्यूचर में आने वाले वक्त के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो कि एक प्रॉस्पेक्ट्स कहते हैं एक होप को, एक उम्मीद को, उनके बारे में उसको पता होना चाहिए। एजुकेशनल प्रोसेस इज़ द बेसिस, इसका राइट ऑप्शन डी है, साइकोलॉजिकल जो है ये इसकी बुनियाद है। द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ, इसका राइट ऑप्शन बी है, फैसिलिटेटर, एक जो है किस्म की फैसिलिटी देता है। एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन ए पर्सन एबिलिटी इन पार्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड, इसको कौन सा टेस्ट कहते हैं? इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब है काबिलियत, उसके अंदर जो है कितनी काबिलियत है, कितनी जो है जहानत है, इंटेलिजेंस कितनी है, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलासफर टीचिंग इज ए एन डैश, इसका राइट ऑप्शन है कि टीचिंग क्या है कि एक आर्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, इसका राइट ऑप्शन सी है, ह्यूमन लर्निंग। द ब्रांच ऑफ फिलासफी फोकस, जो कि फोकस करती है ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, जो हकीकत पर क्या करती है फोकस करती है, इसको ये ब्रांच ऑफ फिलासफी, इस फिलासफी की ब्रांच को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन सी है, मेटाफिजिक्स। इन एजुकेशन डैश इज़ यूज टू मेक इनफेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डिवेलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन सी है, ए है, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है टेस्ट वगैरह लेना, ये जो है उसके लर्निंग पर जो है एक असर रखता है। द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलासफी ऑफ पैरा, ये जो है प्रैगमेटिज्म इन एजुकेशन मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड, इसका राइट स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए ताकि वो एक अच्छा क्या बन सके, सिटीजन बन सके, एक अच्छा जो है शहरी बन सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फाइव सेंसेस, टोटल सेंसेस फाइव होती हैं, विजन, टच, स्मेल, थाट, ये थाट जो है फाइव सेंसेस में शामिल नहीं है। द कुरिकुलम, जो कोर्स है ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शुड बी बेस्ड ऑन, ये किस बेस पे होना चाहिए? थ्योरी भी होनी चाहिए उसमें, जो है प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन सी है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ डैश सेंसेस, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ फाइव सेंसेस, जो फाइव सेंसेस हैं, एक साइट है देखना, दूसरा साउंड है सुनना, तीसरा जो है स्मेल है मतलब सूंघना, टेस्ट है चखना, और एक है टच मतलब जो है टच करना किसी चीज़ को। द फिलासफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशनड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और या स्पोर्ट, सपोर्ट खेल की अहमियत के बारे में बताया इन एजुकेशन वाज, वो कौन था? इसका राइट ऑप्शन सी है, एरिस्टोटल। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, जो एक प्रैक्टिकल लर्निंग है जिसमें हम प्रैक्टिकल करके पढ़ते हैं, मींस इसका मतलब क्या है? एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड, हकीकत, हकीकी दुनिया में इसको अप्लाई करना चाहिए। एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड, इसका राइट ऑप्शन सी है, फ्राम ए फ्यू पर्सन, कुछ चंद अफराद से टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल में क्या किया जाता है कि नॉलेज को मुंतकिल किया जाता है। टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली, क्लियरली जो है वाजे तरीके से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए एंड इंटरेस्टिंग वे, एंड रिलेट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स आर रेडी नाउ, जिस चीज़ को स्टूडेंट पहले जानते हों उस चीज़ के साथ रिलेट करके बताना चाहिए। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन सी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं इसको। द मोर पार्ट्स ऑफ यूर ब्रेन यू यूज़, अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, द मोर लाइकली इसके चांसेज हैं यू आर टू डैश इन्फॉर्मेशन रिटेन, रिटेन का मतलब है कि उसको जो है सेव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्राम वन आर या मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच ए लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन, एक जो है लॉजिकली मतलब एक जो है रेशनली जो है एक सर्टेन एक खास कंक्लूजन नतीजे तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं कि दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का जो है यूज़ करते हैं एक रीज़न का रीजनिंग करके, तो इसको क्या कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, जो टीचर का जो ज़्यादा अहम वर्क है वो कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। पैडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स,
इन पैडागोजी कंप्यूटर इज यूज टू मोटिवेट द लर्नर, लर्नर को मोटिवेट करने के लिए, टू प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक देने के लिए, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर और लर्नर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इसका राइट ऑप्शन है डी फॉर ऑल ऑफ अबव।